भैया गरम पानी डाल लें। लगते हैं ऐसे नहीं मानेंगे, अभी सबक सिखाते हैं। खाया मजा? पंचम सेठ जी, पंचम। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये ठंडा पानी डालने की? नहीं सेठ जी, वो हम दरअसल जवाब जो है ढंग का दियो, वरना ठंडे पानी की बाल्टी जो है तेरे सर पे डाल दूंगा, बता दिया मैंने। सेठ जी वो लाइसी जी ने हमें। अच्छा तू मेरी बेटी के ऊपर ठंडा पानी डालेगा? ना तीज ना होली फिर जो डालेगा ठंडा पानी? नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें इलायची जी ने ये बोला कि क्या है कि सुबह सुबह सूरज को पानी चढ़ाने से क्या होता है, वो काम में तरक्की होती है। तो आप ही हमारे चंदा, सूरज, तारे, धरती, आसमान सब है, तो हमने सोचा क्यों ना ये पानी आपके ऊपर समर्पित कर दें सेठ जी। अच्छा क्यों इतनी इज्जत दे के क्या मुझे ऊपर पहुंचाएगा? बिल्कुल है ना, ना। देख मैं मानता हूं मैं तेरा सूरज हूं, तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूं, लेकिन ठंडा पानी डालने की क्या जरूरत है भैया? जल चढ़ाना है गलत बात, ठंड में ठंडा पानी ना डालते हैं। अगर इतना ही है तो सूर्य नमस्कार कर ले जी सर। अगर मेरे खुश होने वाली बात है तो भैया मेरा जितना अच्छा जो है धंधा अच्छा चलता रहे तो मैं वैसे ही प्रसन्न रहूंगा। सही बात है। अब जल्दी जा दुकान खोल ले, या खड़े रहने से मेरे गले का वजन न बढ़ने वाला है, जा। सुन मेरा वो कहाँ है बटुआ? अरे भाई बटुआ की बात कर रहा भाई, तू है बड़ा हिम्मती यार, बता इतनी ठंड में भी दो दो बार नहा लेता है। मैं तो पूरे महापुरुष जो ना पानी को दूरी रखता हूँ, झगड़ा रहता अपना पानी से, पानी 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 पानी। अबे साले वो जो सेठ जी की बेटी नहीं है, क्या नाम है, एलाइची जी, उनकी कारस्थानी है। अच्छा तू जो नन्ना मुन्ना बच्चा है उन्होंने पकड़े तुझे नहला दिया? अबे साले मैं वो गुसलखाने में मुंह धोने गया था, पता नहीं कहाँ से आगे हमारे सर पे पानी डाल दिया यार। बताओ शरीफ घर की लड़कियां इस तरह से मजाक करती हैं क्या अपने नौकरों के साथ? चल सुनो देखते हैं तीर निशान पे लगा है कि नहीं। चल। अरे तो अच्छी बात है कि वो नौकर मालिक में भेदभाव नहीं करते, ये संस्कार है उनके भाई, अच्छे घरों के यही संस्कार होते। तू तो साले ऐसे बोल रहा है जैसे कि कोई मैं गंदी फैमिली से हूँ, मैं भी तो अच्छे घर से हूँ साले। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ क्या कोई भी अच्छे घर की लड़की इस तरह से व्यवहार करती है क्या? हाँ अच्छे घर से है तो यहाँ तो नौकर है, और एक नौकर से उसके मालिक की बेटी अगर ऐसे घास डाल रही हो अच्छे से बात करे तो तेरे लिए खुशी की बात है भाई। अगर इतनी खूबसूरत लड़की से सोच तेरी शादी हो जाए तो क्या होगा? साले सीधा रेलवे स्टेशन भाग लूंगा मैं, समझा? अबे लोग घोड़ी पे चढ़ के बारात लाते, तू ट्रेन से बारात लाएगा? अबे साले बारात लाने के लिए नहीं, ट्रेन के आगे कूदने, समझा? अगर ऐसी लड़की से कभी शादी होगी ना तो भाई अनारकली की तरह ना उंगलियों पे नचाएगी, समझ नहीं रहा तू? जबान देखिए कितनी तीखी है, और शक्ल का क्या करना है भाई, अकल ही नहीं है लड़की में। सुनो बोलते कि जो मैंने सुना सब झूठ है। नहीं जो अनजाने में ही सही, पर ना जीजा जी अपने दिल की ना भड़ास निकाल रहे। भड़ास? हाँ भड़ास, इनकी भड़ास की वजह कितने से अब इनका मुंह तोड़ के आगे नो। अरे इतनी भी बुरी ना है तो कुछ ज्यादा ही टीका टिप्पणी कर रहा बेचारी पे। अबे कोई बेचारी नहीं है समझा, एक नंबर की चालू है, खुद ही बता नौकर से चिपक रही है, बताओ ऐसे कोई करता है क्या? अरे खुद का पति अगर ऐसा बोले अपनी बीवी के बारे में तो दुश्मनों की क्या जरूरत है मुझे, मेरा कोई ठीक क्या? रुक जा मेरी बात तो सुन ले। देख शुरू शुरू में सब कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, पर जब तुझे जान जाए
तो सपना जिंदगी भर के लिए तेज हो जाते। सच्ची मुच्ची इरु सच्ची मुच्ची फ्रेंडशिप वाली सेल्फी। साले एक बात बता, इतनी देर से देख रहा हूँ तू बड़ा वकील बन रहा है। और भाई लिख के ले ले, जिस भी लड़के से इस लड़की की शादी होगी ना, मैं बता रहा हूँ तूफान आ जाएगा उसकी जिंदगी में। और ऐसी लड़कियों से भाई एक हाथ का फासला ही सही है। और नाश्ता बना। जो हुकुम मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, हमारा जन्म तो आपको बना बना के ठुसाने के लिए हुआ है। नाश्ता बना दे। देखा सुनो, मेरा खुद का पति मेरे बारे में क्या क्या सोचता है। लेकिन मैं बिना ऐसे हार नहीं मानूंगी। इनकी याताश भले वापस आए ना आए, मैंने दोबारा अपना बना के रहूंगी। इलायची बंसल, ये जीजा जी का दिल जीत के रहेगी, प्रॉमिस कर रही हूँ मैं सबसे। खदोड़े, एक काम तूने अच्छा किया, दाढ़ी बनाने में तूने जो गर्म पानी का इस्तेमाल किया ना यार, उससे अच्छा लग रहा है। वरना भैया ठंड में दाढ़ी बनाने का मन ना करता, लेकिन दाढ़ी तो बनवानी पड़ेगी। दाढ़ी ना बनवा तो ऐसा लगता है चेहरे में जो है जली हुई पराली पड़ी है। शेर जी, मुझे पता था तुम्हें गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम्हारे जैसे छुई बुई ग्राहकों के लिए मैंने खास गर्म पानी करने की रॉड मंगवाई है चिटकार से। एक मिनट रुक, चिटकार से? ये क्या भैया? चिटकार तुम जे समझ लो सेठ जी, ये मोबाइल में किसी ने दुकान खोल रखी है। एक मिनट रुक, इतना छोटा सा मोबाइल होता है उसमें दुकान खोल ली किसी ने? दिमाग खराब है तेरा, मुझे बना रहा है तू? अरे बना नहीं रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तुम्हारे मुंह में गूलर सेठ जी, तुम तो ना वो पत्तों को लूंगी की तरह पहनने वाले जमाने से हो, तो मैं नहीं समझा कि जवाब। मेरी बेइज्जती कर रहा है तू? करने की क्या जरूरत है, मतलब वो तो तुम जिस दिन धरती पे आए उसी दिन अपने आप तुम्हारी बेइज्जती हो गई थी ना। जो मैं नहीं कह रहा, जो तो वो दीक्षित कह रहा था गुलर खा के। अरे लो शेरी, लो हो गई तुम्हारी शेविंग। मैं ऐसा रखी है यार, तलवार लग रही हो चेहरे पे। ओ खसोटे, अरे यार सर में दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर देता है अच्छे से यार मेरे। खसोटे इस जलील आदमी का जो है एक भी रुपया मेरे खाते में मत लिखियो, बता रहा हूँ मैं। ओ जीजा, इस दुनिया में आया हो ना चटंकी, तो तुम्हारे पैसों को भरोसा ना आया है, और अपने पैसे से कराएगा चटंकी मालिश, समझ गए? बातें मत करो मुझसे, दिमाग खराब है इस वक्त मेरा। अबे तो कराता रहे अपने पैसों से मालिश, बात कर रहा है बेकार की। चल हट जा, रहने दे यार, मैं जा रहा हूँ। अरे कर देता हूँ मालिश, मुझे ना जाने दे, जाने दे ऐसी आदमी बेस की कर मालिश, चीज आया ये जा जा। और इलायची कैसी है तेरी? तो देखो यार, मैं पहली बार में इतनी दिक्कत नहीं होती चीजा जी को पटाने में जितनी इस बार हो रही है। मैम पहली बार भी तो एकदम हाथ धो के पड़ी थी चीजा जी के पीछे, तू तब उन्होंने कौन सा घास डाल दी थी, वो तो तेरे चंट पने के कारण हुई है तेरी सेटिंग। मतलब बिकॉज ऑफ योर नॉटीनेस है ना, नॉटीनेस के कारण इतनी सेटिंग होगी कि शादी हो गई। इलू जीजे से शादी होने वाली सेल्फी। लेकिन शादी होके बीवी बन के क्या फायदा, अभी भी दोस्त तो जमा नहीं सकती हूँ ना, हुकुम नहीं चला सकती, दरा ढमका नहीं सकती हूँ। और इस बार ना ज्यादा ही उड़ रहे हैं, तो ज्यादा देर तक थोड़ी उड़ने देगी इलू। अब बस खाती देगी कि स्कूल भी जाना है। मैं जाऊंगी स्कूल, पता अपने मैथ्स वाले टीचर है ना शुक्ला सर, उसमें भी मुझे जीजा जी दिख रहे थे यार। भाई सुन ले बात, स्कूल में ना कोई कांड मत कर दियो, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुनो सही कहा तूने, कांड, अब मैं एक कांड करूंगी, कांड में जीजा जी को फंसा दूंगी और फिर बचा लूंगी, कैसा रहेगा? सही है ना? हद होगी लू, 2 सालों तक ना तूने रेगुलरली जीजा जी को कांडों में फंसाया, इतने कांडों में फंसाते कि तेरे कारण ना बेचारे जेल की हवा भी खाकर आ गए। नहीं इस बार ना मैं क्यूट और स्वीट से ऐसे कांड में फंसा दूंगी और उसके बाद खुद बचा भी लूंगी। तो देखना जैसे बचाऊंगी ना
बदले में बोलूंगी कि लो अपना हाथ दो मुझे, फिर तो वो ना नहीं बोल पाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तीखा बनाओ भैया। नीलू, सीता जी को तेरा हाथ देने वाली सेल्फी। तो यहाँ चल रही है क्लास तुम लोगों की, है? मुझे ना बता था कि तुम्हारा स्कूल जो है वो आजकल चाट के ठेले पे लगने लगा है। अंकल जी, हम गए तो स्कूल ही थे, वो हमारे जो है ना शुक्ला सर, जो साइंस वाले सर है, उन्होंने कहा कि जाके प्रोजेक्ट बना कर आओ। अच्छा, इसलिए तुमने इतनी शांति और सुकून वाली जगह तलाश ली कि चलो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे। है कितने कमाल के आदमी है, मतलब देख के ही पहचान लिया उन्होंने, सब कुछ एकदम सही है। अच्छा, मतलब चार्ट पे प्रोजेक्ट है। हाँ, मतलब चार्ट पे प्रोजेक्ट है, तभी तो यहाँ पे आके बना रहे हैं प्रोजेक्ट, देखो जरा। तो ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बना चार्ट पे प्रोजेक्ट, बना, चल चल, बना बना, खड़ा हूँ मैं। हाँ तो ठीक है ना, बना रही हूँ मैं। भैया, आलू में कितनी कैलोरीज होती हैं और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, और हाँ, वाटर कंटेंट कितना होता है एक आलू में? कैसी बातें कर रही है तू इलायची, हैं? इस बॉडम से पूछ रही है सारी बातें? अरे इतना पढ़ा लिखा होता है ये तो ये चाट का ठेला लगा रहा होता है यहाँ पे, बात कर रही है बेकार की। देखिए महोदय जी, आलू में जो है वो 87% कैलोरीज पाई जाती हैं। इसमें 77% पानी और 10.2% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और चीनी की मात्रा जो पाई जाती है वो है 0.4%। तले हुए आलू की तुलना में उबले हुए आलू में कम कैलोरीज पाई जाती हैं। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, चाट जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक व्यंजन है, क्योंकि इसमें दही का उपयोग किया जाता है, और दही में आपको तो मालूम है दही में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, राइट? और सबसे खास बात, जो मसालों का उपयोग किया जाता है चाट में, वो इसी बात को मद्देनजर रख के किया जाता है कि चाट खाने वालों के पाचन क्रिया को दुरुस्त कर दे। जरा अपना हाथ लाइए। Holy Mary Mother of God. महोदय, आपके शरीर में जितनी चीनी की मात्रा होनी चाहिए ना, उससे कई ज्यादा चीनी की मात्रा है। तू प्रचार वाला, मैं घर जा रही हूँ। भैया एक बात बताओ, आपको ये सब कैसे पता है? कहीं से रट्टा वट्टा मारा है क्या? Well, you see, I have pursued MSc in Nutritional Science and I am an IIT pass out. And this chart shop is just a startup for now. Very soon, in few coming years, I'm planning to go online. We'll open 2 digital portals of my chart. One will be Bon Appetito and other one will be Tangy. Tangy. Yeah, that's right, Tangy. How was the chart? Gorgeous. Spicy. Just like you. यार खसोटे, अपनी किस्मत का किसके आगे रोना रहूं यार मैं। एक ही इच्छा थी बचपन से घर बसाने की, वो भी इच्छा पूरी ना हुई यार मेरी। बचपन में ना स्कूल में यार एक लड़की पसंद आई, सोचा बड़े होकर के उससे शादी करूंगा, लेकिन यार स्कूल में पहले मौके पे मेरी लात मार के बाहर कर दिया गया। उसके बाद कॉलेज पहुंचा, एक दिन आया मेरे कॉलेज के जो बल्ब निकाल के बेच गया था मार्केट में, पकड़ा गया, जेल हो गई। अब जेल में यार जेलर की बेटी से प्यार हो गया यार मेरे, लेकिन उसका बहुत जेलर ने ना मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी की शादी कर दी, कसम से बता रहा हूँ मैं। बहुत दर्द हुआ होगा यार। अरे यार मेरे दर्द तो उस बात का हुआ जब उस जेलर ने ना अपनी बेटी की शादी में मुझे नचवाया और मेरे पीठ पे वो कोड़े बरसा रहा था, कसम से बता रहा हूँ कि बता नहीं सकता, बहुत बेइज्जती मेरी यार। मेरे गिलास प्लास्टिक की प्लेटें सब धो रहा था मैं। डार्लिंग तेरी किस्मत खराब ना है, तू अपनी किस्मत का इशारा ना समझ रहा। कैसा इशारा यार, क्या बोल रहे, साफ साफ बोले यार मेरे।
छटंकी, तेरी जिंदगी में प्यार मोहब्बत ना है, तेरा ससुराल सिर्फ जेल है गुलर खा के, तेरे जे हाथ गुलाब पकड़ने के लिए नहीं, लोगों की जेब काटने के लिए, तुझे लोगों के दिल नहीं चुराने, लोगों के बटुए चुराने, उनकी तिजोरी में रखा हुआ माल चुराना है तुझे बेटा छटंकी। हर इंसान का धरती पे पैदा होने का मकसद होता है गुलर खा के, और तेरा मकसद है चोरी चोरी चोरी। खसोटे, तूने मेरी आंखों से दुनियादारी का पर्दा हटा दिया। मैं तो भूल ही गया था कि मैं पैदाशी चोर हूँ यार। मेरा तो काम है चोरी करना। अब देखता हूँ चोरी करने से मुझे कौन रोकता है। अरे अरे यार, अभी चट अरे अरे पंसल 420 जी, यहाँ पे लहंगे मिलते हैं। नहीं, दुपट्टा और चोली साथ में मुफ्त नहीं मिलते। हेलो, बड़े मुफ्त खुल लोगे यार। फोटो खींच लेना। यार ये कहाँ से आ गई? जीजा जी जी, प्रणाम इलायची जी। दरअसल सेठ जी यहाँ पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। सॉरी जीजा जी। इलायची जी, वैसे आप सॉरी बोलने वालों में से है नहीं, आप सॉरी बुलवाने वालों में से हैं। कुछ समझ नहीं आया। मेरी ऐसी आदत है कि मैं लोगों के साथ ना हंसी मजाक करती हूँ, तंग करती हूँ, और कभी कभी ना लाइन क्रॉस कर देती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे इलायची जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपको माफ किया। हम आपसे बाद में बात करते हैं, दरअसल क्या है कि अभी हम काम में काफी व्यस्त हैं। नहीं, मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। दरअसल वो मुझे ना 500 रुपए के खुले चाहिए थे। वो बुक्स वाला देता नहीं है ना, लीजिए। जी ये लीजिए। एक काम करिए, पर दोबारा से गिन लीजिए, वो ज्यादा पैसे ना चले जाना, पापा नाराज हो जाते हैं। गिनिए। हाँ जी सही। ओहो, ये क्या हुआ आपके माथे पे? तो पसीना आ गया। तबीयत तो ठीक है आपकी? पसीना नहीं, हमें तो कोई पसीना नहीं आ रहा। ओहो, पूरे दिन काम करते हैं ना, तो आ ही जाता होगा। आपको ना यहाँ बैठे बैठे ना एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी गर्दन की। सही है, जरूर। वो क्या है ना, वो जो पुराने वाला था ना हमारा सेल्समैन, उसकी ना गर्दन यहाँ कट गई थी परमानेंटली, ना लेफ्ट साइड को हो गई थी। तभी मैं कह रही हूँ आपको एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ, पहले आप यहाँ झांक के देखिए घर में। हाँ अभी वो दीक्षित अंकल के दुकान में जाके देखिए जरा, जाके मन निकाल के एकदम सस्पिशियस देखिए। एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे, मस्ती नहीं चल रही है। सस्पिशियस? हाँ हाँ, अच्छे से करिए ऐसे। हाँ हाँ, अब फिर से लेफ्ट देखिए, अब राइट देखिए। हाँ चलो, एक्सरसाइज हो गई गर्दन की। आप पैसे दे दीजिए ना, बहुत बढ़िया। ओहो, इतना काम किया, फिर से पसीना आ गया आपको। इलायची जी, हम ये पहले रुमाल निकालिए। अरे ऐसे नहीं, नजाकत के साथ प्यार से। हाँ बढ़िया। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे। पॉज पॉज पॉज। हाँ बहुत बढ़िया, चलो हो गया। अब मैं जलती हूँ, मैं बाय बाय। पता नहीं भाई कौन से प्लेनेट से आई है। अरे ये कौन है? हाँ, अरे भाई,
जी भैया अपने घर में चोरी, भागे फूट गए। जी जी ये चोरी ना, ये मजबूरी है मेरी, ये लिखा है मेरे बाग में, मैं पैदाइशी चोर हूं, मरते दम तक मैं जी जी चोर रहूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो चटंकी भैया? एक बार बता मुझे तू, कब तक रोकेगी मुझे, कहां रोकेगी मुझे? पहली बार में मैं अपनी चोरी को सही तरह से अंजाम दूंगा, तू कुछ नहीं कर सकती, और चोरी करूंगा जिंदगी भर करूंगा, ऐसा कंधे से देखता हूं तू रोकती है, तेरा वो पति रोकता है मुझे, कोई नहीं रोक सकता मुझे। चटंकी भैया सुनो, चटंकी भैया, चटंकी भैया सुनो तो, चटंकी भैया, चटंकी भैया।